इतिहास से इस वक्त की बड़ी खबर। दबंगों ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा है। गाली गलौज का विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई करी जाती है। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पिटने वाला युवक हृदय रोग से भी ग्रसित है। युवक की पत्नी और बच्चे दबंगों से छोड़ने का गुहार लगा रहे हैं। वायरल वीडियो की जानकारी होने पर पुलिस ने शुरू किया पड़ताल। एक आरोपी भी लगा पुलिस के हत्थे। अन्य की तलाश लगातार जारी है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के खंजवरी खुर्द का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात में दबंगों ने पति और पत्नी की बेरहमी से पिटाई करी। गाली गलौज का विरोध करने पर पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। पिटने वाला युवक हृदय रोग से भी ग्रसित है। आपको बता दें, युवक की पत्नी और बच्चों दबंगों से लगातार छोड़ने की गुहार भी लगा रहे हैं। वायरल वीडियो की जानकारी होने पर पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू करी है। एक आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन अन्य की अभी तलाश जारी। कानपुर देहात में दबंगों ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा है। गाली गलौज का अगर विरोध किया जाता है तो उसमें बेरहमी से पिटाई की जाती है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। पिटने वाला युवक हृदय रोग से भी ग्रसित है। युवक की पत्नी और बच्चे दबंगों से छोड़ने का लगा रहे हैं गुहार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, दबंगों ने पति और पत्नी को बेरहमी से पीटा है, कहां तक जांच पहुंची? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सृष्टि जो पूरा मामला है ये रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कैंडली खुर्द गांव का बताया जा रहा है। जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मामूली सी विवाद को जो पत्नी को गाली गलौज करने ने विरोध किया था, तो बच्चे जो है वो अपने मम्मी और पापा को छुड़ाने को लेकर के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दबंगों के इस तरह हौसले बुलंद है कि वो लगातार पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में। और दूसरी चीज, पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया, एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और रसूलाबाद पुलिस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल था पूरी तरीके से जगमगा गया है। इसलिए आए दिन रसूलाबाद में मारपीट की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तो पुलिस ने एक आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया, मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन दबंगों का हौसले भी लगातार फिर भी बुलंद है। बिल्कुल मोहित, ये तस्वीरें देखकर साफ लगता है कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद है। और जो पति है वो हृदय रोग से भी ग्रसित है। कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी, जो पति उसकी जान भी जा सकती थी। ये बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं ये एक चीज साफ चीज को दर्शाता कि दबंगों ने जरा सा भी दिल में रहम नहीं आया कि वो हृदय रोग से भी ग्रसित हो, किसी बड़ी घटना को भी अंजाम ये लोग दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं दबंगों के हौसले जो बुलंद है, पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कितनी बेरहमी के साथ पति और पत्नी की पिटाई की जाती है। पत्नी और बच्चे लगातार दबंगों से गुहार लगा रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन तब भी जो दबंग है उनका दिल नहीं पसीसता है, उनको बिल्कुल भी रहम नहीं आता है। बेरहमी से यहाँ पर पति और पत्नी की पिटाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस इसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी तक सिर्फ एक आरोपी हत्थे चढ़ा है। पुलिस के वीडियो सामने आते हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। दबंगों के हौसले पूरी तरीके से यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं।